आशीष शर्मा कीबोर्ड प्लेयर, जहाँ भी हों जल्दी से आए। साईनाथ महाराज की श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की I'm not afraid.
sharanam sai cha ganesh sharanam sharanam ganesh sai se sharanam sharanam sai shri satyananda sadguru sai nath maharaj ki अश्विनी थोड़ा शक्ति बहुत खासकर कम लग रही श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज शिरडी माचे पंढरपुरा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की श्री गुरु नमः
श्रीमन ब्रह्मा गुरु स्मरामि श्रीमन ब्रह्मा गुरु नमामि श्रीमन ब्रह्मा गुरु यजामि श्रीमन ब्रह्मा गुरु भजामि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणगीतं सद्गुरुतं प्रमाण्यं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं सद्गुरुतं प्रमाण्यं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जी 11 बार अर्चना करनी है, जैसे जैसे मैं बाबा का नाम बोलूंगा एक एक दोनों पत्तियां बाबा के चरणों में डालते जाना, ठीक है, और 11 बार पूरी डाल देना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा प्लीज। ओ श्री साई गणेशाय नमः। ओ साई श्री साई जय जय साई नमः। ओ साई श्री साई जय जय साई नमः। ॐ साईं श्री साईं जय जय साईं 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 नमः।
चेक हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 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 चेक हेलो ओम साईराम युवा सेवा समिति के सभी सदस्यों से मेरी विनती है अपनी माताएं बहनों के साथ प्लीज बाबा के दरबार में बाबा की गोद में इस तरीके से बैठ जाएं कि भक्त लोग आकर के बाबा के दर्शन आराम से कर सकें और हम सब लोग बैठकर उनके शिव चरणों में बाबा को निहार सकें और बाबा के भजन सुन सकें। तो प्लीज़ अपना अपना स्थान ग्रहण करें, थोड़ा सा रास्ता दरबार तक जाने का छोड़ दीजिएगा, बीच में हालांकि बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है क्योंकि बारिश से सब कुछ गीला हो गया था, लेकिन ये युवा सेवा समिति इतनी एक्टिव है कि बाबा के आशीर्वाद से हमने सारे काम फटाफट कर दिया। इसलिए आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए बाबा का गुणगान प्रारंभ करते हैं।
Thank you.
साईनाथ महाराज की, बोलो साईनाथ महाराज की, सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय।
Namah, 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 namah
बोले श्री साईनाथ महाराज की जय। बोले साईनाथ महाराज की। बोले साईनाथ महाराज की।
इतनी आनी चाहिए कि बाबा तो शिरडी छोड़ के आए हैं और हमारी बात शिरडी पहुंचनी चाहिए, क्यों भैया? तो इसलिए ये ओम साईराम युवा सेवा समिति, ये बच्चे लोग कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं बाबा का गुणगान उत्साह पूर्वक बहुत ही लगन से हर साल करते हैं, और इस बार भी देख लीजिए बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के संग है। इतनी बारिश होते हुए भी टुकड़ों में बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी थोड़ा सा गीला करने के बाद बाबा फिर से बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। इस बार वैसे ही भी बारिश लेट हो रही है और मुंबई में तो इससे भी ज़्यादा बारिश है, लेकिन मुंबई में कोई काम नहीं रुकता। मुंबई के लोग हर किसी के बैग में, हर किसी के हाथ में छाता होता है, वो कहते हैं सर उसका काम है बरसना, हमारा काम है आगे बढ़ना। तो इसलिए ऐसा ही हमारी दिल्ली भी ऐसे बन जाए कि बाबा के काम हो या अपने काम हो, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम सब लोग तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, भगवान का नाम लेते रहिएगा, अच्छे काम कीजिएगा। सिर्फ साईनाथ देखते हैं तो अपने भक्तों के कर्म देखते हैं, कर्मों के भगवान राम के साथ थे कई और रावण के साथ भविष्य, यानी दोनों के आचरण देखिए। तो इसलिए हमारे सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बने, सिर्फ हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपने आचरण को, अपनी बातों को, अपनी मानसिकता को इतना अच्छा रखिए कि हमारी दिल्ली के बारे में कोई कुछ ना कहे। मुंबई में बहुत कुछ सुनता हूँ, दिल्ली ऐसी है, दिल्ली वैसी है, तो एनीवे दिल्ली जैसी भी है अच्छी है, लेकिन प्लीज़ अगर हम और अच्छा करेंगे तो कुछ सारी बातें भी बताऊँगा मैं मुंबई की। मुंबई में भी गणपति महाराज आज पूरा मेला लगा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और इतनी जोरों शोरों से जश्न मनाया जाता है। एनीवे यहाँ भी आज बाबा के दरबार में हम सब लोग यही करने जा रहे हैं। Come on.
कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुझका, कौआ मोती खाएगा। कलियों में धर्म और कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो, सब एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं और जनता अपनी माने मानी तो नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहने के लिए तैयार है। तो बहुत ही प्यारा वजन है, बहुत ही बहुत प्यारे बोल है, सुन लेगा राजा और प्रजा दोनों में जो एक आता ना।
बात कही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग लोधी रोड मंदिर जा रहे थे, यहाँ लक्ष्मी नगर में बाहर ये शक्तिपुर वाली रोड पे एक ठेका है, हालांकि ठेका काफी सारे होंगे बट एक ठेका ऐसा लगा, तो इतनी भीड़ थी वहां पर और बाहर ठेके का बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं मिसिस और ये हमारा बेटा रोगी ये कहने लगे, पापा यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मैंने कहा बेटा ऐसा है, अभी मंदिर में जाएंगे इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन ये ऐसी जगह है यहाँ भीड़ लगती है। क्योंकि उसके अगले दिन क्या था, छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉलीडे थी और उसको क्या बोलते हैं फ्राइडे, हाँ फ्राइडे था, तो इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मारा मारी टाइम भी होने जा रहा था, शाम का समय था। तो ये हकीकत बात है, मंदिर सोने पड़े हुए और ये ऐसी जगहों पे मेले लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, बहुत प्यारे शब्द हैं, इस पर अमल कीजिए और इसको आचरण में लाइए। हम मंदिर में भरे रखेंगे और मधुशाला नहीं भरे रखेंगे। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की माला। साईनाथ महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय हो, बोलो साईनाथ महाराज की जय। वाह, जब आपकी आवाज